प्रोलिक स्टेज पे मैं संगीता बेटेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रोलिक स्टेज आपके लिए लेके आया है मैंगो कुल्फी की रेसिपी, जिसे आप व्रत में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रबड़ी और मैंगो के फ्लेवर में ये कुल्फी आपको बहुत पसंद आने वाली है। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, गाय का दूध है इसलिए ये येलो दिख रहा है। आपको फुल फैट मिल्क लेना है, जो भी आपको अवेलेबल हो, चाहे आप गाय का लीजिए या भैंस का दूध लीजिए, और इसे 1/4 होने तक उबालते रहना है। और मलाई को मैंने लगाया है साइड पे। तो ये अब दूध जो है ये ऑलमोस्ट 1/4 हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे उबलते रहने दिया था। जैसे जैसे ये उबल रहा था और साइड से मैं ऊपर से मलाई को मैं साइड पे करती जा रही थी, और तकरीबन 1/2 आवर मुझे लगा है इस प्रोसेस को करते हुए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 4 बड़े चम्मच है एक चीनी के। तो ये हमारा कुल्फी का जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। अभी हम इसको और उबलने देंगे चीनी के साथ, इसको अच्छे से हम काढ़ लेंगे, यानी कि अच्छे से पका लेंगे। चीनी डालने के बाद हम हाई फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट तक उबालेंगे। और अब हमने जो साइड पे मलाई लगाई थी उसको स्क्रैप करते जाएंगे। हमारी जो ये रबड़ी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हमने साइड को स्क्रैप करते जाना है। इस समय जो गैस की फ्लेम है हाई है, दूध का अगर आप गाढ़ापन देखेंगे तो काफी अच्छा इसमें गाढ़ापन आ गया है। हमने इसमें कोई भी कॉर्न स्टार्च वगैरह नहीं डाला है। आप इस कुल्फी को व्रत में भी खा सकते हैं। गैस अब हम कर देंगे बिल्कुल बंद। मैंने इसमें लोहे की कढ़ाई का यूज किया है। आप लोहे या पीतल की कढ़ाई में ही रबड़ी बनाइए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अब जितने भी मलाई है इसे स्क्रैप करने के बाद हम इसे हिलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसे छोड़ देंगे। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आम की कुल्फी बनाने के लिए मैंने लिया है गुलाब जामुन मैंगो। इसे गुलाब जामुन कहा जाता है, कुछ स्थानों पे इसे मालदा भी कहा जाता है। इस पे हमने इस तरीके से कट लगाना है। हमें मैंगो चूज करते हुए ध्यान रखना है, जिसमें पल्प ज्यादा हो वो मैंगो हम लेंगे। और गिठली के पास से कट लगाते हुए हमने ऊपर से उसको ट्विस्ट करना है इस प्रकार से, ताकि ये कैप अलग निकल जाए। हमने नाइफ को इस प्रकार से पकड़ना है। आप थोड़ा सा ट्रिकी रहता है मैंगो में से गुठली निकालना, अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत सारी मैंगो कुल्फी जो है घर पे ही बना लेंगे। हमने दोनों तरफ से नीचे तक लेते हुए एक कट देना है, ताकि जो भी रेशे मैंगो के हैं वो अलग हो जाए। और थोड़ा सा हम साइड्स को क्लीन करेंगे। ध्यान रखना है जो नाइफ है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए इस प्रकार से। अब ये हमारी कुठली जो है वो थोड़ी लूज हो गई है। अब हमने संडासी या फिर आप चाहें तो प्लास से पकड़ के इसको थोड़ा टिल्ट करके बाहर निकाल देंगे। आपके पास संडासी प्लास जो भी हो, या इस तरीके से ये आइस क्यूब्स के लिए आता है, उसको पकड़ के हमें हल्का सा टिल्ट करते हुए इसे खींच लेना है। इस तरीके से मैंगो के अंदर एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप रबड़ी बना लेते हैं, रबड़ी ठंडी हो जाती है, उसके बाद अगर मैंगो आप कट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कैविटी तैयार की है, तो साथ के साथ आप इसमें रबड़ी को फिल कर सकते हैं। तो हमने लेना है गिलास और उसमें रखना है मैंगो। और अगर मैंगो में जूस ज्यादा है तो आप रबड़ी बनते हुए दूसरी साइड से मैंगो को भी कट करके कैविटी तैयार करके इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, ताकि मैंगो थोड़ा ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। और इसके अंदर रबड़ी को हमने फिल करना है। इस कुल्फी को आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी कोई भी कॉर्न स्टार्च वगैरह नहीं डाला है। सिर्फ 3 चीजों से ये जो कुल्फी है वो बनके तैयार हो गई है। मैंगो कुल्फी हमारी जम गई है। मैंने इसे छील लिया है नाइफ की हेल्प से, हमने इसको छील लेना है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। पिस्ता से गार्निश करेंगे। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, गाय का दूध है इसलिए ये येलो दिख रहा है। आपको फुल फैट मिल्क लेना है, जो भी आपको अवेलेबल हो, चाहे आप गाय का लीजिए या भैंस का दूध लीजिए, और इसे 1/4 होने तक उबालते रहना है। और मलाई को मैंने लगाया है साइड पे। तो ये अब दूध जो है ये ऑलमोस्ट 1/4 हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी,
बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे उबलते रहने दिया था। जैसे जैसे ये उबल रहा था और साइड से मैं ऊपर से मलाई को मैं साइड पे करती जा रही थी, और तकरीबन हाफ एन आवर मुझे लगा है इस प्रोसेस को करते हुए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 4 बड़े चम्मच भर के चीनी के। तो ये हमारा कुल्फी का जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। अभी हम इसको और उबलने देंगे चीनी के साथ, इसको अच्छे से हम काढ़ लेंगे यानी कि अच्छे से पका लेंगे। चीनी डालने के बाद हम हाई फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट तक उबालेंगे। और अब हमने जो साइड पे मलाई लगाई थी उसको स्क्रैप करते जाएंगे। हमारी जो ये रबड़ी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो अब हमने साइड को स्क्रैप करते जाना है। इस समय जो गैस की फ्लेम है हाई है, दूध का अगर आप गाढ़ापन देखेंगे तो काफी अच्छा इसमें गाढ़ापन आ गया है। हमने इसमें कोई भी कॉर्न स्टार्च वगैरह नहीं डाला है। आप इस कुल्फी को व्रत में भी खा सकते हैं। गैस अब हम कर देंगे बिल्कुल बंद। मैंने इसमें लोहे की कढ़ाई का यूज किया है। आप लोहे या पीतल की कढ़ाई में भी रबड़ी बनाइएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अब जितनी भी मलाई है उसे स्क्रैप करने के बाद हम इसे हिलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसे छोड़ देंगे। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है तो इसे हम एक ग्राइंडर जार में ले लेंगे। जितनी हमने रबड़ी लेनी है उतना ही हम लेंगे मैंगो पल्प, यानी कि आम को ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। तो इन दोनों को अब ग्राइंडर में डालने के बाद हम अच्छे से पीस लेंगे। हमने इसे पीस लिया है। अब आप चाहें तो इसमें येलो कलर भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें येलो कलर नहीं डाल रही हूँ। इसे ऐसे ही मैं मोल्ड में फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इसे मोल्ड में फिल कीजिएगा, नहीं है तो आप इसे छोटे गिलास में भी फिल करके जमा सकते हैं या एक पानी में जमा सकते हैं। एक बार फिल करने के बाद हम टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई एयर हो तो वो निकल जाए। लिड लगाने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं बबल ना हो, और बबल हो तो आप इस तरीके से एक बार फिर से इसको टैप कर दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक बबल नजर आ रहा है तो हम इसे टैप कर देंगे, वरना ये जगह जो है जब जम जाएगी आइसक्रीम तो खाने लगेगी। हम इसे फ्रीजर में जमने के लिए रखेंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा इसे जमने में। तो देखा आपने कितना आसान है इस प्रकार से मैंगो कुल्फी को बनाना। मैंगो कुल्फी को बनाने के बाद जितने आम आपको खाने हैं आप उतने आम कट कीजिए और कुल्फी को एंजॉय कीजिए, साथ में मैंगो के फ्लेवर को भी एंजॉय कीजिए। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो फूड एक्सचेंज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।